सेरी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ सिल्क के प्रोडक्शन के लिए वो मेजर रोल प्ले करते हैं, और उनमें से दो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो है चाइना और इंडिया। चाइना में जिस सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है वो है मलबेरी सिल्क। ये मलबेरी सिल्क में जो मौत होते हैं उनका नाम है बोम्बैक्सी मोरी। और वैसे ही इंडिया में जिस सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है वो है तसर सिल्क। और एंथेरिया माइलेटा डूरी वो मौत है जिसके कुकुन को यूज़ किया जाता है तसर सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तसर सिल्क मौत का जो होस्ट प्लांट है वो है टर्मिनालिया अर्जुना, जिसे अर्जुन के पेड़ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है सोरिया रुबुस्ता, जिसे साल के वृक्ष के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कई पेड़ हैं जिसे होस्ट प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं तसर सिल्क मौत। एक और होस्ट प्लांट है जिसे वो होस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, वो है बेर का पेड़। तो ये तीनों मेजर प्लांट है जिसे होस्ट के रूप में यूज़ करते हैं तसर सिल्क मौत। तसर सिल्क मौत इसका क्लासिफिकेशन है, ये क्लास इंसेक्टा से आते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, जीनस एंथेरिया और स्पीसीज माइलेटा डूरी, और इनका साइंटिफिक नेम है एंथेरिया माइलेटा डूरी। तसर सिल्क मौत ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यानी कि फोर स्टेजेस में अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेज एग स्टेज, दूसरा स्टेज लावल स्टेज, तीसरा स्टेज प्यूपल स्टेज, और चौथा स्टेज अडल्ट मौत। एक अडल्ट मौत अपने पूरे लाइफ स्पैन में 100 to 150 एग ले करती है, और इस एग को हैच करने के लिए समर के टाइम पे 8 to 10 डेज लगते हैं, और विंटर के टाइम पे 15 to 20 डेज लगते हैं। कैटरपिलर के ग्रोइंग फेज को मॉल्टिंग कहा जाता है, और इसे इंस्टार वर्ड यूज़ किया जाता है। पूरा कैटरपिलर जब एक प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो फोर्थ इंस्टार में वो कन्वर्ट होता है। हाँ, तो ये जो देख रहे हैं ये प्यूपा फेज है, और हर एक मौत या बटरफ्लाई जो भी रहता है दोनों में से, उनका चार फेज में डिवाइड होता है। एक है जब वो एक फेज में रहता है, सेकंड जब वो लार्वल फेज में रहता है, थर्ड जब वो प्यूपल फेज में रहता है, और फोर्थ जब वो एडल्ट बन जाता है। एडल्ट यानी जब वो बटरफ्लाई या फिर मौत बन जाता है। तो ये है प्यूपा आपका सिल्क मौत का। सिल्क मौत एक मौत है जिसमें जिसका प्यूपल फेज में उनके प्यूपा से सिल्क निकाला जाता है, मतलब जो सूती कपड़ा बनता है, जो चीज़ ये सारा सूती ये प्यूपा से ही बनता है। और इसका ये एक संस्था है जो यहाँ के गांव के लोगों को देती है, और वो डेवलपमेंट के लिए और यहाँ कमाने के लिए इन चीज़ों को देते हैं, जो वो लोग एक बांस का ही एक जाली ऐसे करके बनाते हैं, और उसके अंदर में जब यहाँ से मौत निकलता है उसको वहाँ पे रखते हैं, और वो जब एग देता है वहाँ तो बहुत सारे कैटरपिलर बनते हैं, और कैटरपिलर फिर खाते हैं, फिर वहाँ से फिर से वो प्यूपल स्टेज आता है। फिर वे लोग जो है ऐसा शाम को जो कुश का बना हुआ रहता है उसमें उसको पकड़ के रखते हैं, और जो बटरफ्लाई मतलब तितली उसी से वे लोग फिर शाम के बाद में ही वो लोग अंडा देना शुरुआत कर देते हैं। तो 9 दिन के बाद में उससे जो है सो लार्वा से कीड़े निकलते हैं, और वह उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्लांट मतलब पे पौधे में, और वहाँ से वो लोगों का वृद्धि होता है। पत्ते को वे लोग रात में दिन खाते रहते हैं, और खाने के बाद में वे जो है सो विकास करते हैं, और बढ़ने जब वे बड़े बड़े जब मोटे मोटे हो जाते हैं उसके बाद में वे लोग इसी अवस्था में वापस आ जाते हैं, रेशम बना लेते हैं। जब इससे तितली निकलने वाली रहती है तो शाम 4-5 बजे के आसपास ये वाले भाग में गीले हो जाते हैं। जब गीले हो जाते हैं जिससे कि जो रेशम पालक हैं वे लोग समझ जाते हैं कि इससे तितली निकलने वाली है शाम को, और शाम को वे लोग 4-5 बजे के बाद में वे लोग देखते हैं, और रात में वो तितली निकलती है, और वे सुबह होते होते वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं। हाँ, मीटिंग करने करते हैं। उसके बाद में वे लोग शाम के 4:30-5 बजे तक मीटिंग अवस्था में ही रहते हैं, और उसी समय वे जो रेशम पालक लोग हैं जो मादा रहती है जो अंडे देने वाले रहते हैं उस तितली को पकड़ के जो कुश के बने हुए रहते हैं उसमें डालते हैं, और जो नर रहते हैं उसको वे लोग छोड़ देते हैं। तो नर मादा फिर आपको कैसे पता चलता है कि कौन नर है कौन सा? मादा जो है सो मोटे रहते हैं और नर जो है सो थोड़ा पतले रहते हैं। अच्छा,
जो अंडे देने वाली होती है वो मोटे मोटे होते हैं, और जब वो लोग मीटिंग करने के बाद वो समाप्त होता है उसका तुरंत बाद में वो लोग अंडे देने शुरू कर देते हैं, और 9वें दिन के बाद में वहाँ से उसका जो लार्वा है वो फूट जाता, अंडा फूट जाता है, फूटने के बाद में वहाँ से कीड़े निकलते हैं, उसको जंगल में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे वो लोग वहाँ पर विकास करते हैं। और इसके बाद वो प्यूपल स्टेज में आता है और फाइब्रिन प्रोटीन के कारण वहाँ पे एक आउटर कुकुन बनता है जो हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, और इसी के द्वारा सिल्क निकाला जाता है। टाइप्स ऑफ सिल्क, मलबेरी सिल्क, ये सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तसर सिल्क, ये सेकेंड हाइएस्ट सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें चाइनीज़ तसर है, जापनीज़ तसर है और इंडियन तसर है। जो इंडियन तसर है ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड प्लेस में काउंट होता है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। मुगा सिल्क, ये असम में मिलने वाला एक सिल्क है, और इसका जो कलर रहता है गोल्डन येलो सिल्क थ्रेड रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जो असम में मिलता है। प्रागरा सिल्क, ये जायंट सिल्क मॉथ है, ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और सूडान में मिलता है। इसका जो विंग स्पैन होता है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कुआन सिल्क, साउथर्न इटली, ग्रीस, रोमेनिया, टर्की में मिलता है, और इसका जो होस्ट प्लांट है वो है पाइन ट्री, जूनिपर एंड ओक। एक अडल्ट तसर सिल्क मॉथ का विंग स्पैन होता है 15 सेंटीमीटर, और फीमेल येलोविश ग्रे विंग्स रहते हैं, और मेल येलोविश रेड विंग्स विथ प्रोमिनेंट आई स्पॉट ऑन ईच विंग्स। 2012 और 13 में लिए गए स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो रो सिल्क का प्रोडक्शन होता है चाइना में सबसे ज़्यादा होता है 82%, सेकेंड नंबर इंडिया में 15%, ब्राज़ील में 0.4%, इंडोनेशिया में 0.1%। इंडिया में तसर सिल्क का प्रोडक्शन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है, छत्तीसगढ़ सेकेंड प्लेस में, उड़ीसा थर्ड प्लेस में, और इस तसर सिल्क का प्रोडक्शन सिल्क फैब्रिक बनाने में, रेडीमेड गारमेंट बनाने में, नेचुरल सिल्क यार्न बनाने में और सिल्क कारपेट बनाने में यूज़ किया जाता है। सोरिया रोबुस्ता यानी साल का वृक्ष, ये होस्ट प्लांट है तसर सिल्क मॉथ का, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे ये साल का वृक्ष मिलता है, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मिलने वाले फॉरेस्ट हैं वो उड़ीसा में है, फिर बिहार झारखंड में है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, और फिर वेस्ट बंगाल में है। झारखंड एक मेजर रोल प्ले करता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और रांची के इर्द गिर्द भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, तसर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, और वो इटकी है जो रांची से 25 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ पर इसके बारे में और इन्फॉर्मेटिव जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कई एक इन्फॉर्मेशन के बारे में, कई एक मौत के बारे में, या फिर बटरफ्लाई के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, और कैसे कौन सा होस्ट प्लांट है और कैसे वो लोग डेवलप होते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, आने वाले वीडियो में और कई एक बटरफ्लाई या फिर मौत के बारे में जानकारी देंगे। और थैंक यू इतना वक्त निकाल करके मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आने वाले समय में जल्द ही मिलूँगा, और आप सबों को God bless you.